उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। ये आप लोगों की बुक में भी लिखा हुआ है, नाम से शायद नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी मौजूद है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ बुक में ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन होता क्या। ये जो वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री है ना यार, ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, ज्योमेट्री में भी सुना है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे तो एंगल जिनको एड करो 90 रिजल्ट आए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 30 है, मैं बोलता हूँ कि यार इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो आप 90 में से माइनस करोगे 30 को 60, तो 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 30 का। ठीक है, मतलब किसी भी एंगल का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है आप उसको 90 से माइनस करते हो। इसी तरीके से यही काम आपने यूनियन के अंदर भी किया था, मैं बोलता था कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर सेट ए है उसको आप कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालते थे तो यूनिवर्सल से माइनस करते थे। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में आप होल से माइनस करते हो, होल आपने फिक्स किया होता है। जैसे एंगल में आपने होल 90 फिक्स किया हुआ है कि जब आपने कॉम्प्लीमेंट्री निकालना 90 से माइनस करोगे। ठीक है, इसी तरीके से सेट में आपने फिक्स किया हुआ यूनियन कि अगर आपको बोला जाए एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो आप उस सेट को यूनियन से माइनस करोगे तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और जब आप कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हो उन जब दोनों को एड करोगे तो वही चीज आती है होल। फॉर एग्जाम्पल 30 का आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला, 90 माइनस 30 60 आ गया। अब 60 और 30 को आप ऐड करोगे तो वो होल आ जाएगा, मतलब 90 पूरी फिगर आ जाएगी आपके पास। इसी तरह एक सेट है उसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला, जब आप उस सेट और कॉम्प्लीमेंट को ऐड करोगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। सेट में ऐड का मतलब यूनियन होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन पे भी अप्लाई होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हो 10C2, ये हमेशा बराबर होता है 10C8 के। क्यों? यहां पे कितने आपने चूज किए? दो चूज किए हैं, टोटल कितने थे? 10 थे। तो 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? होल यहां पे क्या है? 10, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे? 10 थे। आपने कितने सेलेक्ट किए? 2। तो अगर आप 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कैसे आएगा? 10 - 2 = 8। 2 का कॉम्प्लीमेंट यहां पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 10C2 मालूम करो या 10C8 मालूम करो, दोनों का आंसर सेम ही होगा। ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का आपको बता रहा हूं, ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन मानी जाएंगे, ये आपस में इक्वल होती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं 15C7, ये एक कॉम्बिनेशन गिवन है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या होगी? कितने आपने चूज किए? 7। 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 7 को आप होल से माइनस करो, होल यहां पे क्या है? 15। 15 को जब आप 7 से माइनस करोगे 8 आएगा, तो जो 15C7 का आंसर है वही 15C8 का आंसर होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या होती है? आपस में बराबर होती है। अब जनरलाइज अगर आप बात करो, जनरलाइज लैंग्वेज में आप इनको इस तरीके से लिखते हो कि अगर आपके पास NCR मौजूद है तो NCR बराबर होगा N, अच्छा N में से आपने R चूज किए ना, तो R का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसको माइनस कर दो N से, तो N - R। तो NCR हमेशा बराबर होता है NCN - R के, या भरत पद देखोगे ये चीज अप्लाई हो रही होती है। अब ऐसा होता क्यों है? एक तो चीज है ना, बता दिया होता है, क्यों होता है उसके मैं दो रीजन आप लोगों को बता रहा हूं। एक तो आप इनके फॉर्मूले देख लो तो खुद ही आपको बात समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, आप करते क्या हो? जो आर लिखा हुआ उस फैक्टोरियल से, यहां पे आर क्या है? एन माइनस आर। उसके बाद आप क्या करते हो? आप लिखते हो एन माइनस आर, मतलब ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज को माइनस करते हो, वो फैक्टोरियल लेते हो। तो सेम काम यही करो, ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज को माइनस करो और फैक्टोरियल ले लो। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि जो ऊपर चीज लिखी हुई उसका फैक्टोरियल लो डिवाइडेड बाय, जो नीचे चीज लिखी हुई उसका डायरेक्ट फैक्टोरियल लो, उसके बाद ऊपर और नीचे को माइनस करो उसका फैक्टोरियल लो। तो यही टेक्निक आपने यहां पर भी अप्लाई कर दी है। उसके बाद इसको एज इट इज रहने दो, ये एन फैक्टोरियल अपनी जगह पे नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन और माइनस एन ये कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट आर फैक्टोरियल बचेगा। आप खुद ऑब्जर्व करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, दोनों फॉर्मूले आपस में बराबर है। तो छोटा सा मैंने आपको प्रूफ बता दिया कि ये दोनों चीजें आपस में बराबर कैसे होती हैं। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट वाइज भी आप समझ सकते हो कि ये बराबर है। कॉन्सेप्ट वाइज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये 5 अल्फाबेट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं आप 3 सेलेक्ट करो, तो आप सेलेक्ट क्या करोगे? सबसे पहले ABC सेलेक्ट हो गया, फिर आपने फॉर एग्जाम्पल ABD सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने ABE सेलेक्ट कर लिया।
फिर कॉम्बिनेशन क्या होगी, आपने किया ए सी डी ई, सॉरी मैंने कितने ज्यादा कर दिए, ए सी डी, फिर क्या होगा ए सी ई, फिर क्या होगा ए डी ई। पहली पोजिशन पे ए के साथ आपने सारी कर ली है ना, ए बी डी, ए बी डी कर लिया, ए बी ई, ए बी ई बी सब हो गया। अब बी के साथ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा बी सी डी, फिर आप लिख सकते हो बी सी ई, बी सी डी भी हो गया, बी सी ई भी हो गया, बी डी ई हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पे बी डी ई लिख रहा हूं, कितनी हो गई है, तीन हो गई है, तीन थ्री, एक और रहेगी होगी सी डी ई, क्योंकि दस बनेंगी ना यहां पे, पांच में से आप तीन सेलेक्ट करो ना, तो फाइव सी थ्री क्या होता है टेन, दस कॉम्बिनेशन मैंने आपको बना दिए। होता यह है कि ये जो मैं निकाल रहा हूं ये एनसीआर निकाल रहा हूं, पांच चीजें थी उसमें से मैंने तीन चीजों की कॉम्बिनेशन निकाल ली, जितनी कॉम्बिनेशन मैंने तीन चीजों की निकाली है ना, दस कॉम्बिनेशन आई हैं, सेम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है जो पीछे रह गए हैं। अगर आप हर कॉम्बिनेशन में देखो, आपने सेलेक्ट किया था बीसीई, पीछे क्या रह गया था, पीछे एक ए रह गया था और एक डी रह गया था, ए डी ए कॉम्बिनेशन है, अच्छा एबीसी आपने सेलेक्ट किया था पीछे क्या बच गया था डी ई, ए बी डी आपने सेलेक्ट किया था पीछे क्या बचा था सी ई, ए बी ई आपने सेलेक्ट किया था पीछे क्या बचा था सी डी। कहने का मतलब है जितने आप सेलेक्ट कर रहे हो उनकी कॉम्बिनेशन और जो पीछे रह गए हैं उनकी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सेम होती है। तो ये कॉम्बिनेशन है एनसीआर, और पीछे रह जाने वाले कितने होंगे, एनसी एन माइनस आर, अगर आपने आर सेलेक्ट किए तो पीछे कितने रह जाएंगे एन माइनस आर, पीछे रह जाने वालों की कॉम्बिनेशन भी उतनी होती है। ये चीज परमोटेशन में फॉलो नहीं होती, क्यों, परमोटेशन में आप सेलेक्ट करने के बाद अरेंज भी करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो 5p3 बराबर होना चाहिए 5p2 के, तो नहीं बराबर होता, क्यों, क्योंकि जिन तीन को आप सेलेक्ट कर रहे हो उनको अरेंज भी तो करते हो ना, छह तरीकों से अरेंज कर सकते हो, और जो पीछे रह जाएंगे वो दो होंगे, दो की अरेंजमेंट कितनी होती है, दो होती है। तो अगर आप तीन सेलेक्ट कर रहे हो, पीछे रहने वाले कितने दो, तो इनके अरेंजमेंट छह है, इनके अरेंजमेंट दो है, इसी तरह इसकी अरेंजमेंट छह, इसकी अरेंजमेंट दो। तो परमोटेशन में चीज फॉलो नहीं होती, परमोटेशन में जो आप सेलेक्ट कर रहे हो उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है और जो रह जाते हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, तो उसमें तभी ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। जबकि कॉम्बिनेशन में वैलिड होता है कि आप जितने सेलेक्ट कर रहे हो उनकी कॉम्बिनेशन और जितने रह जाने वाले हैं उनकी कॉम्बिनेशन सेम होती है, जिसको आप फॉर्मूले में क्या लिखते हो, एनसीआर इक्वल टू एनसी, रह जाने वाले क्या होंगे, एन माइनस आर होंगे। ये कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का, मैं तुम्हें बता दिया ना, इसमें कोई और चीज तो नहीं है आप लोगों को बताने वाली, कोई लिखी भी ना हो मैंने, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई और चीज है इसके अंदर बताने वाली। हाँ मैं तकरीबन आप लोगों को अच्छी बता दी, तभी इसके फॉर्मूले, आप फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी बहुत सी बड़ी चीज आ जाती है कि 100C5 निकालो, उन यूनिवर्सिटीज का बता रहा हूं जिनमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये बता दें, और ऑप्शंस में चार कॉम्बिनेशन लिखी होंगे किसके बराबर है। अब जिनको प्रॉपर्टी नहीं पता उनको वो बेचारे कैसे पता करेंगे, वो आंसर मालूम करके देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, बाकी उनका आंसर क्या आ रहा है, कैलकुलेटर नहीं है मसला होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल 100C51 कर दिया, मसला है आप कैसे निकालोगे, लेकिन आपको पता है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन निकाल लो, वो होगी 100C 100-51 49। तो जो 100C51 का आंसर होगा वही आंसर 100C 49 का आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आपको काम आता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का। ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, ये सारे टॉपिक हम क्लियर करते जा रहे हैं, बीच में क्वेश्चंस में भी टॉपिक आएंगे, वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, छोटे छोटे टॉपिक है। मुझे नहीं पता हैंड शेक का कोई सवाल है बुक में या नहीं है, हैंड शेक का भी एक टॉपिक होता है, हैंड शेक का सवाल सामने सामने तो मुझे नजर नहीं आ रहा, सामने सामने मुझे हैंड शेक का सवाल नजर नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल शायद एग्जाम्पल्स में हुए ना हो। अच्छा बाय द वे 7.1.2.3 कंप्लीट हो जाए तो एग्जाम्पल्स में इन सबकी कंबाइन आपको करवाऊंगा, एग्जाम्पल सारी करवाऊंगा जो मुश्किल मुश्किल वाली है। अच्छा तो हैंड शेक वाला एक टॉपिक होता है, एक होता है कि अगर पांच टीमें खेल रही हैं तो वो आपस में कितने मैच खेल सकती हैं, कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे होते हो, फिर होता है कि अगर इतने पॉइंट्स हैं तो कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, इतने पॉइंट्स हैं कितने ट्राइंगल बना सकते हो, तो एक सवाल आएगा उसके अंदर ही मैं सब टॉपिक क्लियर कर दूंगा आपको। तो मेन कॉम्बिनेशन का मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, केसेस बता दिए, ये प्रॉपर्टी बता दी है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन आप इनको कहते हो, और एक और भी होती है कॉम्बिनेशन की, वो आप चैप्टर नंबर 8 में काम आएंगी, तो चैप्टर नंबर 8 में इंशाल्लाह उसको हम पढ़ लेंगे, बाकी भी कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज हैं। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट है जो मैं यहीं पे बता के खत्म करना चाह रहा हूं, ये कॉम्बिनेशन विदाउट रिपीटेशन डिस्कस हो रही है, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन भी आ जाती है, अब उसमें आप क्या करोगे,
तो मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं आपसे कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन की, मैं टेक्निक डिस्कस कर रहा हूं कि होता क्या है। ये आपको सिंध बोर्ड के किसी टीचर ने बताई होगी, पंजाब बोर्ड में मैं शायद ही किसी ने बताई हो, वैसे ही मैं मार्जिन रख लू वरना नॉर्मली आप सुनोगे नहीं। ये टॉपिक क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन। मैंने जैसे आपको बैकर्स मेथड करवाया था ना, स्टार्स एंड बार्स वाला, उसी टाइप का मेथड है ये। छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं बात कि किस तरीके से ये टेक्निक यूज होती है, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन। ये टेक्निक यूज करने का तरीका ये होता है कि आप क्या करते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी थी, आपके पास टू फ्लेवर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लो, एक आपके पास चॉकलेट है, एक आपके पास स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी को हम ऐसे लिख लेते हैं, दो फ्लेवर है आइसक्रीम के, और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कोई भी चार स्कूप ले सकते हो, मर्जी आपकी। अब ये कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन का सवाल बना कैसे? बना इस तरीके से कि आपकी मर्जी है, आप चार के चार स्कूप चॉकलेट ले लो, पहला चॉकलेट, दूसरा चॉकलेट, तीसरा चॉकलेट, चौथा चॉकलेट, रिपीटेशन। लेकिन कॉम्बिनेशन का सवाल है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहां पे। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन, सॉरी, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, मतलब पहला स्कूप चॉकलेट, फिर स्ट्रॉबेरी, फिर चॉकलेट, फिर स्ट्रॉबेरी, मैटर नहीं कर रहा है। ये चीज सेम है, अगर मैं इस तरह लिखूं भाई मैटर नहीं कर रहा ना, इसके अंदर ऑर्डर नहीं है कि आप पहले स्ट्रॉबेरी ले रहे हो, फिर चॉकलेट, फिर चॉकलेट, फिर स्ट्रॉबेरी, या पहले आप चॉकलेट ले रहे हो, फिर स्ट्रॉबेरी, फिर चॉकलेट, फिर स्ट्रॉबेरी, ये मैटर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि एट द एंड मैटर ही कर रहा है कि आपके पास स्कूप कौन से हैं। आपने चॉकलेट, यार वही बात है ना, इसमें ऑर्डर मैटर क्यों करेगा, आपके पास एट द एंड स्कूप कौन से आ रहे हैं ये मैटर करता है। भाई मेरे पास दो चॉकलेट के आ रहे हैं, दो स्ट्रॉबेरी के आ रहे हैं, दैट्स इट। मैं इसको हर अलग अलग ऑर्डर में लिखूं तो वो सेंस नहीं बनती। आपके पास क्या चीज आ रही है वो मैटर करता है, किस ऑर्डर में आप स्कूप ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉप पे जाते हो तो आइसक्रीम की, और बताया ना वो जो रखे होते हैं टब टाइप के रखे होते हैं, उसके अंदर रखी होती है, वो चमचा निकाल के दे रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 10 कप लिए, वो आपसे पूछेगा 10 कप के कौन से फ्लेवर है, कोई तीन फ्लेवर आप लेना चाह रहे हो, मतलब 10 स्कूप आपने लिए, 10 स्कूप के पैसे दिए आपने, वो आपसे पूछेगा कौन से फ्लेवर। फॉर एग्जाम्पल आपने तीन फ्लेवर लेने, तो वो सबसे पहले बोलेगा यार किसका दूं, आप बोलो फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट का, चॉकलेट दे दिए, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी का, अच्छा फॉर एग्जाम्पल टूटी फ्रूटी का। अब ये चीज क्या अलग होगी कि पहले वो टूटी फ्रूटी बनाए, फिर वो चॉकलेट का बनाए, फिर वो स्ट्रॉबेरी का बनाए, ये अलग होगा? नहीं भाई, एट द एंड आपके पास स्कूप जो आ रहे हैं वो मैटर कर रहे हैं कि कितने स्कूप आपने चॉकलेट के लिए, कितने स्ट्रॉबेरी के लिए, कितने टूटी फ्रूटी के लिए, ये मैटर नहीं करता किस ऑर्डर में उसने आपको चॉकलेट दी है, सॉरी आइसक्रीम दी है, मेरे मुंह से चॉकलेट निकल जाता है। तो दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन का सवाल है विद रिपीटेशन है, क्योंकि एक चीज दोबारा आ सकती है। सबसे खतरनाक केस है ये कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन। अब इसके अंदर आप करते क्या हो, आप इसको वैसे ही कंसीडर करो जैसे मैंने बैगर्स मेथड आपको बताया था कि आप यहां पे एन क्या, ये एन है, और स्कूप क्या, ये आर है। अब ये वो केस है जिसमें देखो आर बड़ा है, हालांकि नॉर्मल जब आप केस डिस्कस करते हो उसमें आर बड़ा नहीं हो सकता ना। आर कैसे बड़ा होगा कि आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 है, उसमें से आपने तीन सेलेक्ट करने, तो आर छोटा होता है। लेकिन जो रिपीटेशन के केस है इसमें आर बड़ा हो जाता है। यही चीज मैंने परमोटेशन में बताई थी कि जब आप रिपीटेशन बोलो ना उनको, फिर कि यार परमोटेशन विद रिपीटेशन है, तो फिर क्लियर कर दो साथ कि यार इसमें एन आर का वो चक्कर नहीं है जो पहले होता था, यहां पे एन आर के मतलब डिफरेंट है, ठीक है। तो एन क्या होगा, एन होगा कि जितने आपके पास चॉइसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल दो फ्लेवर्स हैं, या आप कोई और एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, आपके पास जैसे आप वो लेते हो सैंडविच लेते हो, सबवे सैंडविच नहीं है, क्लब सैंडविच जो होता है, उसके अंदर आपसे पूछते हैं कि कौन सा फ्लेवर डालना है, बारबेक्यू फ्लेवर डालना है या जो भी डालना है फ्लेवर, तीन चार फ्लेवर के वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, या चिकन टिक्का लेने जा रहे हो, लेग पीस चाहिए, चेस्ट पीस चाहिए। तो कहने का मतलब है कि फ्लेवर कितने हैं, कितने ऑप्शन है आपके पास भाई, चेस्ट पीस है, लेग पीस है, कितने आपको लेने हैं, 5 लो 10 लो 20 लो मैटर नहीं करता, चॉइसेस आपके पास टोटल कितनी है, कितने आपके पास। अगर आप एक सेट बनाओ तो सेट के अंदर कितने चीजें आएंगी, दो आएंगी यहाँ पे, या तो आप चॉकलेट लो या स्ट्रॉबेरी लो। अब कितने स्कूप वहां से पिक कर रहे हो वो आर में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एन का मतलब एक सेट है जिसके अंदर टोटल चॉइसेस हैं आपके पास, ये वाला फ्लेवर आप ले सकते हो, आपने कितने लेने हैं, कितने आपने पिक करने हैं वो आर है। यहाँ पे आर ग्रेटर हो सकता है क्योंकि सेंस बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट के अंदर पता नहीं कितने हजार स्कूप पड़े हुए हो जो उन्होंने टब रखा हुआ है, उसमें से आप कोई चार स्कूप निकाल लो, रिपीटेशन है, आर बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो गया ना यहाँ पे। तो आप इसमें समझ लो कि एक टब है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, ये बॉक्स कंसिडर कर लो चॉकलेट का है, ये बॉक्स कंसीडर कर लो स्ट्रॉबेरी का, तो आपको चार स्कूप चाहिए। अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल दो स्कूप आपने यहां से उठा लिए, दो स्कूप आपने यहां से उठा लिए। अब आपने इन स्टार्स को ना अरेंज करना है, आगे पीछे करना है। फॉर एग्जांपल तीन स्कूप मैंने यहां से उठा लिए, एक स्कूप यहां से उठा लिया,
अब आप क्या करो, स्टार को आगे पीछे कर रहे हो बस। अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक स्कूप यहां से उठाया, तीन स्कूप यहां से उठा लिया। तो यही चीज को मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मैं लिखूं ये चार स्कूप है और मैं एक डिवाइडर डाल दूं दरमियान में। इस डिवाइडर का मतलब क्या है, ये डिवाइड करेगा दो चीजों के दरमियान। इस चीज का मतलब क्या है, दो चॉकलेट दो स्ट्रॉबेरी। चलिए अगर मैं इस चीज को यहां पे लगा दूं, इसका मतलब क्या है, एक चॉकलेट का तीन स्ट्रॉबेरी के। अच्छा जी अगर मैं इसको यहां पे लगा दूं, अब इसका मतलब क्या है, चॉकलेट का कुछ भी है स्ट्रॉबेरी के चार, ये मतलब बने। अच्छा अगर मैं इसको यहां पे लगा दूं तो कहने का मतलब चार मेरे पास चॉकलेट के और स्ट्रॉबेरी का मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि आपके पास दो फ्लेवर्स हैं, तो आप क्या करो, जितने आपको स्कूप है वो चीज और एक डिवाइडर लगा दो उनके दरमियान। अब आपने उनकी पोजीशन को अरेंज करना है। आप ये जो डिवाइडर है आप डिफरेंट पोजीशन पे लगा रहे हो और एक अलग कॉम्बिनेशन बनती जा रही है। आप इसको यहां पे लगा रहे हो अलग कॉम्बिनेशन, कहीं भी लगा रहे हो अलग कॉम्बिनेशन बनेगी यहां पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा इस सवाल को परमुटेशन के फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, ये मैंने इतना देखा नहीं है लेकिन जहां तक मैंने सोचा ये परमुटेशन के सवाल से हो सकता है, जस्ट लाइक बैगर्स मेथड। कैसे कि आप बेसिकली इन पांच चीजों को आपस में अरेंज कर रहे हो ना, इसको इधर ला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल स्टार को उठा के उधर लेके जा रहे हो, आपस में अरेंज कर रहे हो ना। लेकिन ये वो अरेंजमेंट है जिसमें ऑब्जेक्ट सेम है, ये चार चीजें आपस में सेम ही है, स्कूप सेम ही है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्कूप स्कूप स्कूप। तो आप इसको इस तरह कंसिडर कर सकते हो कि टोटल ऑब्जेक्ट पांच है, फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अलाइक कितने, फोर फैक्टोरियल। अब एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास तीन फ्लेवर है, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी वेनिला, सेम वही काम करना है। इस दफा स्कूप चार ही रखते हैं ताकि आपको मेन चीज समझ आते, चार स्कूप रखते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक इससे उठा लो, दो इससे उठा लो, एक इससे उठा लो, तीन इससे उठा लो, एक इससे उठाओ, इससे कुछ भी ना उठाओ, चार के चार इससे उठा दो, इनसे कुछ भी ना उठाओ। तो अब यहां पे आप क्या कर रहे हो, अब तीन चीजें हैं तो दो डिवाइडर लगेंगे यहां पे, चार स्कूप और दो डिवाइडर। फॉर एग्जांपल यहां पे लगा दिया, यहां पे लगा दिया, अब इसका मतलब क्या है, चॉकलेट से एक, स्ट्रॉबेरी से दो, वेनिला से एक। अच्छा जी फॉर एग्जांपल इसको मैं यहां पे लगा देता हूं, इसका मतलब चॉकलेट से कुछ भी नहीं, स्ट्रॉबेरी से तीन, वेनिला से एक। बस आप इन दो डिवाइडर्स को अरेंज करो, तीन चीजें हैं तो आप दो डिवाइडर से अरेंज कर रहे हो, वही काम है। यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ऑब्जेक्ट कितनी है, एक दो तीन चार पांच छह, छह है जिसमें से चार चीजें एक जैसी हैं तो डिवाइड बाय फोर फैक्टोरियल, ये परमुटेशन का रूल नंबर टू जो मैंने बताया था, और दो डिवाइडर है तो आप टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते। सेम चीज आप कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो। अब कॉम्बिनेशन को हम कॉम्बिनेशन से किस तरीके से आप इसको कर सकते हो, कॉम्बिनेशन में हम कॉन्सेप्ट ये बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये पांच चीजें हैं ना, आप इसको इस तरीके से समझो कि आपने एक डिवाइडर, टोटल पांच जगह हैं, आप इनको ये समझो कि ये पांच जगह हैं, इन पांच जगहों में से आपने एक जगह सेलेक्ट करनी है डिवाइडर के लिए, कि डिवाइडर को मैं पहली पोजीशन पे लगाऊं, डिवाइडर को दूसरी पोजीशन पे लगाऊं, डिवाइडर को इधर लगाऊं, डिवाइडर को मैं कहां पे लगाऊं। तो पांच जगहों में से एक जगह को चूज करने के कितनी कॉम्बिनेशन है, 5C1, जिसको आप फॉर्मूले में लिखोगे तो ये चीज आ गई। तो बार बताता हूं, अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो कि अभी मैंने बोला कि टोटल पांच जगह है ना, अब पांच जगहों में से कहीं भी डिवाइडर लगा दोगे। किसी सिचुएशन में मैंने डिवाइडर पहली जगह पे लगा दिया था, किसी सिचुएशन में डिवाइडर मैंने तीसरी जगह पे लगा दिया था, पहली दूसरी तीसरी। तो आप क्या कर रहे हो, आपके पास पांच जगह है, पांच में से आपने एक जगह सेलेक्ट करनी है जिसपे आपको डिवाइडर लगाना है, मतलब 5C1 यहां पे बनेगा। और इसको दूसरे एंगल से भी आप समझ सकते हो कि यार यहां पे पांच जगह है और आपने चार स्कूप को फिक्स करना है, मतलब चार जगह आपने सेलेक्ट करनी है, यहां पे पांच जगह है लेकिन चार को सेलेक्ट करना है क्योंकि स्कूप मतलब स्टार्स आपने लगाने हैं। दूसरे एंगल से भी आप कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, 5C4, 5C1 लिखो, 5C4 लिखो, दोनों के फॉर्मूले सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। तो दोनों एंगल से सवाल को अप्रोच किया जा सकता है। सेम अगर इसमें आओ आप, इसका फॉर्मूला भी यही बनेगा, निकाल के देख लेना। इसमें आओ फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये बोल सकते हो ऑब्जेक्ट टोटल कितने, छह। अब अगर आप डिवाइडर के हिसाब से देखो तो आप बोलोगे यार छह जगह है मेरे पास, मैंने कोई भी दो जगह सेलेक्ट करनी है डिवाइडर लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने ये दो जगह सेलेक्ट कर ली, पहली और पांचवी। फॉर एग्जाम्पल डिवाइडर को यहां पे लगा दो, आपने पहली और तीसरी जगह सेलेक्ट की है। फॉर एग्जाम्पल डिवाइडर को यहां पे लगा दो, आपने पहली और दूसरी जगह सेलेक्ट की है। जगह सेलेक्ट करनी है ना, टोटल छह जगह है भाई, एक दो तीन चार पांच छह, पहली जगह दूसरी जगह और बाकी पे चार स्कूप। अच्छा इसका मतलब क्या बनेगा, इस चीज का मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब ये बन रहा है जीरो चॉकलेट, जीरो स्ट्रॉबेरी, चार वेनिला, ये इसका मतलब है।
फॉर एग्जाम्पल इन दो को मैं यहां पे लगा दूं, इसका मतलब क्या है? चार चॉकलेट, जीरो स्ट्रॉबेरी, जीरो वेनिला, ये मतलब बन रहा है। आप जब समझो कि इनके दरमियान डिवाइडर है ना वो है, तो अगर मैं यहां पे डिवाइडर लगा दूं और इसके पीछे चार लिख दूं, तो उसका मतलब चार चॉकलेट है, यहां पे डिवाइडर लग गया, इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ दरमियान में, इसका मतलब जीरो स्ट्रॉबेरी। उसके बाद अगर मैं यहां पे डिवाइडर लगा दूं, इसके बाद भी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब जीरो वेनिला। इस तरह आप कर सकते हैं। तो अगेन आपके पास छह जगह है, यहां पे आपको कोई भी दो जगह सेलेक्ट करनी है डिवाइडर लगाने के लिए। तो 62 सिंपल फॉर्म में 62 को लिखोगे यही बनेगा। और दूसरे एंगल से भी समझ सकते हो कि छह जगह है, आपको चार जगह सेलेक्ट करनी है स्टार लगाने के लिए, तो 64 अगेन यही बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। तो आपने यहां पर नॉर्मली कॉम्बिनेशन से करवाते हैं, कॉम्बिनेशन के सवाल है, लेकिन ये जब आप इसको ड्रॉ कर दो ना इस स्टार एंड बार्स मेथड में, तब आप इसको परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। शुरू में तो कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट था ना कि रिपीटेशन कॉम्बिनेशन है तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, आप ये डायग्राम बना ली। जैसे डायग्राम बना ली उसके बाद आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसे बेगर्स मेथड है मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन से भी है। और जैसे बेगर्स मेथड में जब आप डायग्राम बनाते थे, अब अगेन परम्यूटेशन से करो या कॉम्बिनेशन से करो कोई मसला नहीं है बेगर्स मेथड को, इसी तरह इस वाले मेथड को भी परम्यूटेशन से करो या कॉम्बिनेशन से करो। सवाल ओरिजिनली कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन का होता है, लेकिन जब इसमें कन्वर्ट कर लो तो बात एक बन जाती है। अच्छा, अब मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख रहा हूं, यहां पे बड़ा मशहूर जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जो हम यूज कर देते हैं। स्टार और बार्स मेथड में फॉर्मूला एग्जैक्ट वही है, नोटेशन का फर्क क्या होता है बस, वहां पर नोटेशन में क्या फर्क होता था। वहां पर फॉर एग्जाम्पल मैंने करवाया था 8 कॉइन्स है, 3 बैगर्स में तकसीम करना है, तो वहां पर एन जो था वो 8 था और आर 3 था, जबकि यहां पे अगर आप देखो तो n यहां पे 2 है, r 4 है, यहां पे r ग्रेटर है। भाई बैगर्स के अंदर भी आप ये कंसीडर कर सकते हो कि भाई 8 कॉइन्स है और आपने 10 बैगर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मजा नहीं आएगा कि यार 8 कॉइन में 10 में कैसे करोगे, मिनिमम 2 तो बेचारे बैगर फालतू बैठे रहेंगे। उसमें भी आप n छोटा कर सकते हो, r को बड़ा कर सकते हो, लेकिन मैं नॉर्मली आपको केस बता रहा हूं कि बैगर्स में नॉर्मली n बड़ा होता है r छोटा होता है, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो अगेन n और r के नोटेशन में फर्क है और कोई फर्क नहीं है, बाकी आप देख लेना उसमें मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया था, आंसर दोनों के सेम ही आते हैं, नोटेशंस में बस फर्क है। इसकी नोटेशन क्या मैं बता देता हूं, उसके नोटेशन मैंने वहां पे बता दी थी। इसमें आप क्या करते हो, अब इसमें एन जो है ना ये आपके बॉक्सेस हैं, उसमें बॉक्सेस आर होते थे अगर आपको याद हो, बैगर्स में यहां पे बैगर्स लगते थे ना, आर बैगर्स है आपके, तो यहां तो आर बैगर्स से डिवाइडर कितने लगते थे, आर माइनस वन। अब यहां पे बॉक्सेस जो है वो एन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितने बॉक्सेस हैं उससे एक कम डिवाइडर रहेगा, मतलब एन माइनस वन। जब दो बॉक्स थे तो एक डिवाइडर लगा था, मतलब n 2 है तो डिवाइडर 1 है माइनस वन। इसी तरह जब बॉक्सेस 3 है तो डिवाइडर कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, तो n अगर 3 है तो डिवाइडर क्या होगा, n माइनस वन, 2 डिवाइडर लगेंगे यहां पे। तो बस फर्क ये कि वहां पे ये चीज r होती थी तो आप कहते थे कि डिवाइडर r माइनस वन चाहिए, यहां पे ये चीज n है तो आप बोलोगे डिवाइडर n माइनस वन चाहिए। ये नोटेशन का फर्क है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब ये आप डायग्राम बना लोगे। सेम डायग्राम बैगर्स मेथड में भी आप इसको बोल सकते हो, अगर मैं ये डायग्राम बैगर्स मेथड में बनाऊं तो इसका मतलब क्या है कि पहले बैगर को 2 कॉइन, दूसरे बैगर को 2 कॉइन, इंटरप्रिटेशन तो आप सेम ही कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूले की नोटेशन क्या होंगी, टोटल आपके पास कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे यहां पर, इस वाले केस में आप देखो टोटल 5 ऑब्जेक्ट है। इसको आप कैसे देखोगे, 4 आपके पास स्कूप है, मतलब आर आपके पास स्कूप है, और डिवाइडर कितने हैं, एन माइनस वन डिवाइडर है। अगर ऑब्जेक्ट 2 है तो डिवाइडर 1, n माइनस वन। अगर ऑब्जेक्ट 3 है तो डिवाइडर कितने हैं, n माइनस वन, 2 डिवाइडर है। तो जितना n होगा उससे एक कम डिवाइडर होगा, तो n माइनस वन है। टोटल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, r स्कूप हो गए आपके और डिवाइडर कितने हैं, n माइनस वन डिवाइडर, ये टोटल बनेंगे। इसमें से आपको सेलेक्ट कितने करने हैं, दो तरीके से आप लिख सकते हो। अगर डिवाइडर को सेलेक्ट करने की बात कर रहे हो तो नीचे आएगा n माइनस वन, कि इतने डिवाइडर सेलेक्ट करने हैं आपने, जैसे मैंने बताया था डिवाइडर सेलेक्ट करने नीचे वन आ रहा होगा। और अगर आप बोलोगे यार मुझे स्टार्स को सेलेक्ट करना है, स्टार भी सेलेक्ट कर सकते हो ना, स्टार को सेलेक्ट करना है, तो अब फॉर्मूले में नीचे क्या आएगा, ऊपर है आर प्लस एन माइनस वन और नीचे आ जाएगा आर, जैसे यहां पर 4 आ रहा था ना, आर 4 था यहां पर, तो डिपेंड करता है स्टार को सेलेक्ट करोगे तो आर एन माइनस। और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है, निकाल भी सकते हो। ये कॉम्बिनेशन इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि अगर आप ऊपर वाली चीज को नीचे से माइनस करोगे तो आर बचेगा। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करते हो, ऊपर वाली चीज को नीचे से माइनस करके यहां पे लिखते हो ना, तो आर प्लस एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन आर के बराबर होगा जो नीचे लिखा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है, एक ही बात है, कोई मसला नहीं, आप दोनों फॉर्मुले यहां पर यूज कर सकते हो, एक ही कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों ये फॉर्मुला होता है, इस फॉर्मुले को आप कहते हो कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन,
ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। नोटेशन में फर्क होता है, दैट्स व्हाई मैंने आपको नोटेशन के साथ एक एक कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया कि आप किस एंगल से बात कर रहे हो। बैगर्स मेथड में इसी किस्म का फॉर्मूला था, अभी भी इसी किस्म का फॉर्मूला है। और नोटेशन से कर लोगे तो कंफ्यूजन से हल हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला कम्बिनेशन के फॉर्म में ही होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी सवाल दिया जाए, अब मैं आपको बोलूं कि यार आपके पास डोनट्स का भी बड़ा मशहूर सवाल है कि यार आप 12 डोनट्स उठा सकते हो और आपके पास 20 डिफरेंट डोनट्स पड़ेंगे, फ्लेवर जो है 20 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, तो यहां पे स्कूप कितने मतलब उठा कितने सकते हो आप, 12 उठा सकते हो, R12 हो जाएगा। डिफरेंट फ्लेवर डोनट्स के कितने, 20 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, तो N यहां पे 20 हो जाएगा। तो इसमें पुट करना आपके पास टोटल आ जाएगा कि कितने तरीकों से आप उठा सकते हो। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन का। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में काफी डिटेल कॉन्सेप्ट हो गए, मुझे डिटेल ही अपलोड करने क्योंकि वो चैप्टर है जो काफी बड़ा है, काफी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो डिटेल में कंप्लीट हो गए इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 हम अपनी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।